आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आप यूपीआई आईडी से पेमेंट लेना चाहते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम में आप यूपीआई आईडी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, यानी आप अपना यूपीआई आईडी कैसे पता कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दें, जिससे मैं कोई भी किस्म की वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अपनी यूपीआई आईडी कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप जैसे कि हम सबसे पहला जानेंगे कि फोन पे से हम अपना यूपीआई आईडी कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है दोस्तों। इसमें आपको फोन पे एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं तो आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके अपने प्रोफाइल में यानी कोने में आपको अपना प्रोफाइल का सेटिंग दिख जाएगा आपका, जहां पे ठीक है लोगो लगा हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से माई भीम यूपीआई आईडी का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। तो माई भीम यूपीआई आईडी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप माई भीम यूपीआई आईडी में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट है सभी का अलग अलग यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा मेरा चार अकाउंट है, जिसमें से चारों अकाउंट का यूपीआई आईडी अलग अलग दिखाई देगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप फोन पे का यूपीआई आईडी पता कर सकते हैं। चलिए अब जानेंगे कि हम अपना गूगल पे का यूपीआई आईडी कैसे पता करें। तो आप अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है, आपके प्रोफाइल में यहां भी जाना है जहां आपका लोगो लगा हुआ, आपका मेल का फोटो लगा हुआ होगा। तो आपको यहां से देख सकते हैं, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको यहां पे यूपीआई आईडी आपके दिख जाएगा। आपको स्क्रीन में देख सकते हैं मेरा यूपीआई आईडी आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपना गूगल पे का यूपीआई आईडी ले सकते हैं। अगर आप इस यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं तो आपके अगर कोई भी आपका यूपीआई आईडी इस आईडी से पेमेंट करते हैं तो आपका गूगल पे में जो भी अकाउंट एड है उस अकाउंट में आपका पैसे पहुंच जाएगा दोस्तों। अगर आप फोन पे का यूपीआई आईडी से पेमेंट कर लेते हैं किसी से तो आपके फोन पे में जिसका जो भी अकाउंट आप एड किए हैं उस अकाउंट में आपका यूपीआई आईडी द्वारा पहुंच जाएगा। तो चलिए हम अब जानेंगे कि पेटीएम के पेटीएम का यूपीआई आईडी कैसे देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंड मनी टू एनीवन यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपका पेटीएम अगर अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लेंगे आपको, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा आपका कोने में। सेविंग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा यूपीआई आईडी आपको दिख जाएगा। अगर आप इस यूपीआई आईडी से पेमेंट लेते हैं तो आपका पैसा आपके पेटीएम में आ जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी आसानी से आप अपना यूपीआई द्वारा पेमेंट ले सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फेसबुक में लाइक एंड फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।